नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए राहुल गांधी के प्रयास की, सुशासन बाबू पर भड़के तेजस्वी यादव की, जानेंगे कि केजरीवाल सरकार का क्या है बड़ा फैसला और क्या खाली हो गया है राजस्थान सरकार का खजाना, और आखिर में बात एंट्रेंस परीक्षा की तारीखों के ऐलान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। खेल मंत्रालय ने ईमेल के जरिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए नामांकन किया आमंत्रित। इस साल अर्जुन और खेल रत्न पुरस्कारों के लिए जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक के प्रदर्शन पर किया जाएगा विचार। नामांकन जमा कराने की अंतिम तारीख 3 जून की गई तय। सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र सरकार के सभी बड़े खर्चों में होगी कटौती, नई विकास परियोजनाओं और नई भर्तियों पर रोक। मध्य प्रदेश में खेल अकेडमी में छटनी की तैयारी, करीब 30% खिलाड़ी होंगे बाहर, नए खिलाड़ियों की भर्ती मुश्किल। फेसबुक ला रहा है नया फीचर, लाइव वीडियो देखने के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे, परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़े लोगों और स्मॉल बिजनेस को होगा फायदा। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 261 अंक और निफ्टी 88 पॉइंट नीचे हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश की गर्त में जाती अर्थव्यवस्था केंद्र सरकार के लिए कई मुश्किलें बढ़ा रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार हालात सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। आर्थिक हालात की चिंता विपक्ष को भी सताने लगी है, इसीलिए तो हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बात की, तो आज नोबेल प्राइज विजेता अभिजीत बैनर्जी से आर्थिक हालात पर चर्चा की। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। देश के मौजूदा स्वास्थ्य हालात हो या फिर आर्थिक हालात, दोनों ही चिंता बढ़ा रहे हैं। विपक्ष भी सरकार को स्थिति में सुधार के लिए लगातार सुझाव दे रहा है, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। इसी बीच अब विपक्षी दल कांग्रेस सक्रिय नजर आ रहा है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के आर्थिक हालात और मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए कई एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी से बातचीत की। दोनों ने अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और स्वास्थ्य मुश्किलों से निकलने को लेकर मंथन किया। बैनर्जी ने सलाह दी कि लोगों को नकदी हस्तांतरित करने की जरूरत है। बैनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सरकार को दुनिया के कई देशों की तरह बड़ा प्रोत्साहन पैकेज देना होगा, ताकि लोगों के हाथ में पैसे जाएं और बाजार में मांग बढ़ सके। राहुल ने पूछा कि क्या न्याय योजना के तर्ज पर लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम निचले तबके की 60% आबादी के हाथों में कुछ पैसे देते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, ये एक तरह का प्रोत्साहन होगा। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने 25 मार्च को न्याय का वादा किया था। इसके तहत देश के करीब 5 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देने का वादा किया गया था। इस योजना को कांग्रेस मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार से लागू करने की मांग कर रही है, ताकि गरीबों को थोड़ी राहत मिले। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नकदी की दिक्कत होगी, बैंकों के सामने कई तरह की चुनौती होगी और नौकरी बचाना मुश्किल होगा, जिस पर अभिजीत ने कहा कि ये सच होने वाला है। ऐसे में देश में आर्थिक पैकेज की दरकार है, कई देशों ने ऐसा किया है, हमारे यहाँ नहीं हुआ। छोटे उद्योगों को मदद करनी चाहिए, तिमाही का ऋण भुगतान खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी की वजह से कारोबार पूरी तरह से ठप है, इसीलिए आर्थिक मदद की ज्यादा जरूरत है। इस दौरान राहुल ने कहा कि जितनी जल्दी पूर्णबंदी से बाहर आया जाए उतना अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी एक योजना होनी चाहिए, वरना सारा पैसा बेकार है। जिस पर बैनर्जी ने कहा हमें मुसीबत के बारे में पता होना चाहिए, पूर्णबंदी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको बता दें, देश की अर्थव्यवस्था को उबारने और सरकार को सुझाव देने के लिए राहुल लगातार विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बात की थी, लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई सुझाव लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में क्या अभिजीत बैनर्जी की बात पर केंद्र गौर करता है या नहीं, ये देखना होगा। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने आर्थिक हालात बेहतर करने के लिए जो बात कही थी, आज अभिजीत बैनर्जी ने भी वही बात कही कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए गरीबों की जेब में पैसा डालना होगा, उन्हें वित्तीय सहायता देनी होगी, लेकिन क्या वजह है कि सरकार इस तरफ ध्यान देने को ही तैयार नहीं है?
देखिए मीनाक्षी, अभिजीत बनर्जी के जो विचार हैं कमोबेश वैसे ही विचार रघुराम राजन के भी थे। हो सकता है कुछ और अर्थशास्त्रियों से चर्चा में कुछ और नए विचार नए सुझाव निकल करके सामने आए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उनसे लगातार बातें हों। राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं और उसे जनता को बता भी रहे हैं, जबकि इस वक्त ये काम प्रधानमंत्री और हमारे देश के वित्त मंत्री को करना चाहिए था। उन्हें भी आर्थिक मामलों के जानकारों और सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे लोगों से चर्चा करनी चाहिए। हो सकता है कि वो ऐसा काम कर भी रहे हों, लेकिन जनता तक उसकी जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। न ही जनता को यह पता चल पा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में देश के आर्थिक हालात कैसे होंगे, लॉकडाउन बढ़ेगा या खुलेगा, कारोबार किस तरह से चलेंगे, उद्योगों को चलने की अनुमति किस आधार पर होगी, उसके लिए कामगार कहां से आएंगे, बैंकों की ओर से कितनी मदद मिलेगी और कैसे मिलेगी, यातायात कब पूरी तरह से सुचारू होगा और कारखानों से गोदामों तक और गोदामों से दुकानों तक सामान किस तरह पहुंचेगा। लघु उद्योगों, हस्तशिल्पकारों, बुनकरों, रेहड़ी पटरी वालों, इस तरह के छोटे मोटे व्यापार रोजगार करने वाले लोग जो हैं लाखों हजारों लोगों के सामने इस वक्त भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उमड़ रहे हैं, जिनके जवाब के लिए वो सरकार की ओर ताक रहे हैं, लेकिन सरकार ने अजीब तरह की चुप्पी धारण की हुई है जो भयभीत कर रही है कि आखिर सरकार क्या करने वाली है। क्या वो अपना खजाना भरने के लिए जनता पर दबाव बढ़ाएगी, जैसा कि अभी दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाकर किया है, या गरीबों को उनके हाल पर छोड़ देगी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को अपना लेगी कि इस मुश्किल में जो बचने की कुवत रखता हो वो बच जाए, बाकी लोग भगवान के भरोसे रहें, या एक लोक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार जो है वो जिम्मेदारी निभाएगी और जल्द बड़े ही राहत पैकेज का इंतजाम करेगी। आशंकाएं और सवाल कई हैं मीनाक्षी, और सरकार की ओर से जवाब मिल ही नहीं रहा है, बल्कि उसके फैसले गरीबों को राहत पहुंचाते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब आगे देखिए मीनाक्षी कि क्या फैसला सरकार की ओर से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश में स्वास्थ्य हालात दिन ब दिन चिंताजनक होते जा रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के डबल इंजन सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। एक बार फिर तेजस्वी ने बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहना है तेजस्वी का, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्णबंदी पार्ट 3 में मिली छूट के बाद राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अब मामले बढ़ने का डर राज्य सरकारों को सता रहा है। लेकिन बिहार में तो अलग ही कहानी चल रही है। मौजूदा हालात में जब मूल सुविधाएं ही ठीक नहीं होंगी तो फिर इस विपदा का सामना भला कैसे किया जा सकेगा। इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव बिहार सरकार को घेरते नजर आए हैं। तेजस्वी ने ट्वीट किया, बिहार के पृथक केंद्रों की ऐसी दयनीय स्थिति है कि वहां कोई रुकना नहीं चाहता। खाने पीने की चीजों का अभाव है, जिसके कारण कामगार लोग परेशान होकर पृथक केंद्रों से भाग रहे हैं। ट्वीट के साथ तेजस्वी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसे वो कटिहार के पृथक केंद्र का बता रहे हैं। वीडियो में कामगार पृथक केंद्र से भागते नजर आ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव बिहार सरकार को आड़े हाथ हो ले रहे हो। कभी टेस्टिंग तो कभी श्रमिकों को लेकर तेजस्वी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। श्रमिकों की घर वापसी के दौरान उनसे किराया वसूले जाने को लेकर भी उन्होंने सरकार की निंदा की थी, और अब एक बार फिर तेजस्वी बिहार सरकार के इंतजामों को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि बिहार में वक्त रहते सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी, ताकि विपदा जल्द से जल्द टल सके। अब तेजस्वी जहां स्वास्थ्य हालात से लेकर कामगारों के मुद्दे पर नीतीश सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार सूबे की आर्थिक परेशानी को कम करने के लिए कदम उठाती नजर आ रही है। जी हां, अर्थव्यवस्था के हाल को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जो सीधे जनता की जेब पर असर डालेगा। तो क्या है केजरीवाल सरकार का अहम फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के मौजूदा स्वास्थ्य हालात के मद्देनजर पूर्णबंदी की मियाद एक बार फिर बढ़ा दी गई है। पिछले काफी वक्त से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन 4 मई से केंद्र सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी। कई राज्यों में भी दफ्तर खुलने लगे, ताकि आर्थिक हालात को सुधारा जा सके। इसी बीच अर्थव्यवस्था पर बढ़ते असर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया है। जी हां, आज से दिल्ली में पेट्रोल 1.67 रुपए और डीजल 7.10 रुपए महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर ही वैट बढ़ाने का ऐलान किया। पेट्रोल पर वैट को बढ़ाकर 27% से 30% कर दिया गया है, जबकि डीजल पर 16.77% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। इस फैसले के बाद दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि मुश्किल वक्त में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वित्त मंत्री रहते हुए मैंने यही सीखा है, जिंदगी हमेशा ही शानदार नहीं होती। वहीं इसी के साथ दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 71.26 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर
69.29 रुपए प्रति लीटर हो गई है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से बीते करीब 40 दिनों से सब कुछ बंद है। ऐसे में सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि सरकार का अप्रैल को रेवेन्यू 3500 करोड़ रुपए से घटकर 300 करोड़ रुपए ही रह गया है। साफ है कि सरकार की कमाई का नुकसान अब आम जनता की जेब पर पड़ रहा है, जिस पर विपक्ष का केजरीवाल सरकार को घेरना तय है। वाकई अब केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी कितनी तल्ख होती है ये देखना होगा। वहीं फिलहाल मध्य प्रदेश पे तो बीजेपी पर विपक्ष तल्ख होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां आदिवासी परिवार और अन्नदाताओं पर शिवराज सरकार ध्यान देती नजर नहीं आ रही। यही कारण है आदिवासियों और अन्नदाताओं की इन्हीं परेशानियों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सत्ता संभालने के बाद सबसे बड़ी विपदा का मुकाबला करना था। साथ ही ये भी ध्यान रखना था कि मौजूदा विपदा के समय लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस की माने तो शिवराज सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अन्नदाता और आदिवासी दोनों परेशान हैं। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में पनौती की गूंज, अन्नदाता ने 24 लाख की मिर्च फेंकी। इंदौर और भोपाल की मंडी बंद होने से देवास जिले के एक अन्नदाता को 24 लाख रुपए की मिर्च फेंकने के लिए विवश होना पड़ा है। शिवराज जी, क्या सरकार सिर्फ विज्ञापन के लिए है? हर तरफ पनौती क्यों? इसके अलावा एमपी कांग्रेस शिवराज सरकार से गुना में आदिवासी परिवार के लिए शौचालय को पृथक केंद्र बनाने पर भी सवाल पूछ रही है। साथ ही कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आड़े हाथों लिया है। मध्य प्रदेश के गुना में आदिवासी के लिए शौचालय को पृथक केंद्र बनाया गया है। सोचे किस कदर पशुओं जैसा सलूक हो रहा है। सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना के इलाके से चुनाव लड़ते और जीतते आए हैं, फिलहाल सत्ता में भी हैं। फिर भी आदिवासियों की हालत वाकई बेहद शर्मनाक है। इन दोनों ट्वीट के साथ एमपी कांग्रेस ने राज्य में परेशान अन्नदाता और आदिवासी परिवार की फोटो भी ट्वीट की है। दोनों तस्वीरें पूर्णबंदी में राज्य में किए गए इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं। देखना होगा कि शिवराज सरकार को इन खामियों को सुधारने में कितना वक्त लगता है। शिवराज सरकार जब से सत्ता में आई है उसकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अब कांग्रेस के शब्द बाण का शिवराज कैसे सामना करते हैं ये देखना होगा। वहीं देखने लायक राजस्थान सरकार का हाल भी है। जी हां, मौजूदा स्वास्थ्य हालात के बीच सूबे का सरकारी खजाना खाली होने को है, जिसे लेकर सरकार बेहद चिंतित है। इस चिंता को कम करने के लिए ही आज अशोक गहलोत सरकार ने एक अहम फैसला सुनाया है। रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आर्थिक परेशानियां भी सामने आने लगी हैं। राजस्थान में तालाबंदी के कारण सरकारी खजाने की हालत लगातार खराब होती जा रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने मंत्री, विधायक, अधिकारियों, कर्मचारियों की सैलरी के तय हिस्से को स्थगित करने का फैसला किया है। फैसले के तहत मंत्रियों और विधायकों के वेतन का 75% हिस्सा स्थगित रखा जाएगा। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का 60%, राज्य सेवा के अधिकारियों और अधीनस्थ सेवा के अधिकारी कर्मचारियों का वेतन 50% तक स्थगित रहेगा। राज्य के अन्य कर्मिकों के वेतन का 30% वेतन स्थगित रखा जाएगा। साथ ही सेवानिवृत्त पेंशनर्स की मार्च महीने की सफल पेंशन का 30% हिस्सा भी स्थगित रखा जाएगा। लेकिन चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के सभी संवर्गों के अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, संविदा और मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों की सैलरी नहीं काटी जाएगी। सबसे ज्यादा सैलरी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सभी विधायकों की काटी जाएगी। इनके वेतन का 75% हिस्सा स्थगित रखा जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में स्वास्थ्य मुसीबत से उपजी समस्या का मजबूती से मुकाबला करने के लिए कई निर्णय किए गए। बैठक में बताया गया कि तालाबंदी के कारण प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां और व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं। साथ ही राजस्व अर्जन से संबंधित कई विभागों में भी कामकाज प्रभावित हुआ है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते वित्तीय वर्ष में बड़े नुकसान की बात कह चुके हैं। वहीं अप्रैल महीने में सरकार की आय में 80% की कमी देखी गई है। प्रदेश में 28 अप्रैल तक की राजस्व प्राप्तियों का आकलन करें तो सरकार के पास नए वित्तीय वर्ष के पहले महीने में महज 1505 करोड़ रुपए की आय ही हो पाई है, जबकि सामान्य तौर पर इस महीने में सरकार का राजस्व लक्ष्य करीब 8000 करोड़ रुपए होता है। ऐसे में वित्तीय परेशानियों से निपटने के लिए गहलोत सरकार ने सैलरी कटौती का रास्ता अपनाया है। देखना होगा कि इससे सरकार को कितनी मदद मिलती है और विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है।
और अब बुलेटिन के आखिर में बात एंट्रेंस परीक्षा की तारीखों के ऐलान की। देश में लागू पूर्णबंदी का शिक्षा क्षेत्र में भी काफी प्रभाव देखने को मिला है। स्कूल कॉलेज पहले ही बंद कर दिए गए थे और अब परीक्षाओं को भी रोक दिया गया था, लेकिन आज छात्रों का परीक्षाओं को लेकर किया जा रहा इंतजार केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खत्म कर दिया है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री ने नीट और जेई की परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। तो कब होंगी नीट और जेई की परीक्षा, इस रिपोर्ट में देखिए। लगातार खराब होते स्वास्थ्य हालात ने देश की रफ्तार रोक दी, लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया, अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया, तो वहीं शिक्षण संस्थानों पर लगा ताला भी मुसीबत बढ़ा रहा है, क्योंकि पूर्णबंदी की वजह से कई प्रवेश परीक्षाओं पर ब्रेक लगा दिया गया था, जो छात्रों की बेचैनी बढ़ा रहा था। मन में सवाल था, अब कब होंगी परीक्षाएं? आज ऐसे तमाम सवालों का जवाब मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिया है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री ने कहा, स्वास्थ्य मुसीबत के कारण अब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। इसके साथ ही जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई मेंस की परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच होगी और जेईई एडवांस की परीक्षा अब अगस्त में होगी। आपको बता दें, इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक स्टूडेंट्स के साथ एक वेबिनार कर रहे थे। इसके लिए वो ट्विटर पर लाइव रहे। इसमें देश भर से स्टूडेंट्स उनसे अपने सवाल पूछ रहे थे। गौरतलब है कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग के यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट और जेईई मेंस जैसी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इस साल भी ऐसे लाखों स्टूडेंट्स को इन परीक्षाओं का इंतजार है। इस बार स्वास्थ्य मुसीबत के कारण बदले हालात के मद्देनजर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2020 और जेईई मेंस 2 में पहली बार कुछ ढील दी थी। सभी अभ्यर्थियों को इन परीक्षाओं के लिए पहले से भरे गए एग्जाम सिटी का विकल्प बदलने का मौका दिया गया। वहीं आज केंद्रीय मंत्री ने सीबीएसई एग्जाम को लेकर भी बयान दिया। निशंक ने कहा कि सीबीएसई के लंबित एग्जाम की तारीख भी जल्द ही घोषित की जाएगी। ऐसे में कब होगा एग्जाम डेट्स का ऐलान, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।